वालेकुम व्यूअर्स वेलकम टुताजी ऑनलाइन व्यूअर्स उम्मीद है आप खैरियत से हैं व्यूअर्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉटेंट जी के रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में आज की ये वीडियो ऐड की जा रही है कॉन्स्टेबल इस्लामाबाद पुलिस की प्रप्रेशन के हवाले से अभी आजकल के डेज में जो फिज़िकल एग्जामिनेशन है कांस्टेबल इस्लामाबाद पुलिस का वो हो रहा है अब वो लोग जो फिज़िकल एग्जामिनेशन को क्वालिफ़ाई करेंगे वो उनको प्रोसीड किया जाएगा रिटर्न एग्ज़ाम की तरफ तो अभी आप रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अगर आप हैं और आप सीरियसली इस सी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंतहा साबित होगी आप इसको बाौर देखें और इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड आज की वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है पाकिस्तान इज़ नॉट मेंबर ऑफ़ तो नीचे दी गई ऑर्गेनाइजेशन में से असीन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जे पाकिस्तान जिसका मेंबर नहीं है बिन इज़ द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री तो व्यूअर इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया की ये इंटेलिजेंस एजेंसी है टीगे इज़ द करेंसी ऑफ तो टेंगे जो है ये कजाकिस्तान की करेंसी का नाम है पाकिस्तान लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट बाय एरिया इज़ चागी जो कि बलुचिस्तान में वाक़ है जो फेमस है पाकिस्तान के एटॉमिक अटामिक्सप्लोज की वजह से वहाँ पर पाकिस्तान ने अपने एटमी धमाके किए थे विच इज़ द ओल्डेस्ट सर्च इंजन ऑफ द इंटरनेट तो इसका व्यूज़ राइट आंसर है जी याहू क्वेश्चन है वट इज़ मैंट बाई हंग पार्लियामेंट एक टर्म है हंग पार्लियामेंट तो इसका जो इसको तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसे है कि व्हेन देर इज़ नो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एन आउटराइट राइट मेजॉरिटी जब पार्लियामेंट में किसी एक सिंगल पार्टी की आउटराइट राइट ना हो तो ऐसी पार्लियामेंट को हंग पार्लियामेंट कहा जाता है विच यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वन नोबेल प्राइज फॉर पीस तो इसका राइट आंसर है जी यू एन एच सी आर यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूज़ थ्रू विच स्टेट फोर्टी परसेंट वर्ल्ड इज ट्रांसपोर्टेड तो इसका राइट आंसर है स्टेट ऑफ हॉर्मस टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इन इस्लामिक मिलिट्री अलाइंस आर आई एम सी टी सी जिसको बोला जाता है तो so, वहाँ पर थर्टी नाइन कंट्रीज हैं विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ पाकिस्तान तो वीर इसका राइट आंसर है जी यू एस ए वाट इज खेमर रॉग तो बेसिकली इट इज़ अ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन कम्बोडिया वेयर इज़ दी हेड क्वार्टर्स ऑफ आई एम एफ इट इज़ लोकेट इन न्यूयॉर्क पाकिस्तान लारजेस्ट रिवर इज़ इंडस दरिया सिंध इज़ द लारजेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान डेफिशंसी विटामिन सी काजिज सिकरवी का बाहस बनती है जी सी पी यू इज़ द एबेसन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हैड कोार्टर्स ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज इन चाइना हेड कोार्टर्स जो चाइना में वाक़ हैं लार्जेस्ट कॉन्टीनेंट बाई एरिया इज एशिया निपन इज़ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ जापान के स्टॉक एक्सचेंज को निपोन कहा जाता है फ़ादर ऑफ कंप्यूटर चार्लिस पाविच चार्लिस पाविज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है वो इज़ यंगट द राइट आंसर इज़ मोलाना यूसुफ सई और पाकिस्तान अमास वाज फाउंडेड बाय शेख अहमद यासिन विच कंट्री हैज़ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एनथम द राइट आंसर इज़ नदरलैंड

नेक्स्ट जो है वो टर्म का व्हाट इज़ टर्म ब्रेन ड्रेन तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो है जी इमिग्रेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड हाईली स्किल्ड पर्सनल टू अदर कंट्रीज नेक्स्ट क्वेश्चन है जी असियाना एयरलाइंस इज द एयरलाइन ऑफ हिच कंट्री तो इसका राइट आंसर है साउथ कोरिया की एयरलाइन है ब्लू हाउस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ आंसर है जी प्रेसिडेंट ऑफ कोरिया हेडकुआटर्स ऑफ ओपैक इज इन आंसर इज ऑस्ट्रिया ओपेक जो पेट्रोलिंग तो इसके इस है इसके हेडकोर्टर ऑस्ट्रिया में वाक़ हैं और हमको इस ऑयल कंपनी ऑफ विच कंट्री तो इसका राइट आंसर है जी सऊदी अरेबिया की ये कंपनी है द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कार्ड और थियोलॉजी इसको कहा जाता है लार्जेस्ट कंट्री बाई एरिया इज रशिया द नोबल पीस प्राइज टू थाउजेंड एट हैज़ बिन गिवन टू मार्थी आतेसरी इज फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ़ फिनलैंड लुकान एंड कादिमा आर द फेमस पोलिटिकल पार्टीज ऑफ विच कंट्री तो आंसर है जी ये इज़राइल की फेमस पोलिटिकल पार्टीज़ हैं थर्ड मे इज़ सेलिब्रेट एज द इंटरनेशनल डे ऑफ प्रेस फ्रीडम हमारा अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान इज़ नाट में मैंबर ऑफ तो ब्रिक्स का मेम्बर नहीं है बाकी जो तीन ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका मेम्बर है पाकिस्तान में हेड क्वार्टर्स वाक्य हैंच के विच कंट्री असिस्टेड पाकिस्तान इन बिल्डिंग कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट आंसर इज चाइना विच कंट्री अमांग पी फाइव हैज यूज वि मोस्ट ऑफ द टाइम तो इसका राइट right आंसर है जी यू एस एस नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो फाइव परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से एक ऐसा मेंबर है जिसने सबसे ज़्यादा विट पावर का इस्तेमाल किया है चेनाई इज़ द न्यू नेम ऑफ विच इंडियन स्टेट आंसर इज मद्रास हु इज़ हेमंत कुरकुरे तो इसका राइट right आंसर है इंडियन सीक्रेट एजेंसी चीफ किल्ड इन बम्बई अटैक्स इन नवंबर टू थाउजेंड एंड एट स्कोआब क्लास वॉज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी क्रोनोमीटर इज़ यूज फॉर मेयरिंग लॉन्गिट्यूड को मैयर करने के लिए क्रोनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है विद द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ नोबेल प्राइज वॉट क्रिएटेड बाई स्वीडिश साइंटिस्ट एल्फर्ड नोबेल तो इसका राइट आंसर है इकनॉमिक्स एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें नोबल प्राइज़ दिया जाता है लेकिन ये कैटेगरी स्वीडिश साइंटिस्ट एल्फर्ड नोबेल ने क्रिएट नहीं की थी How many countries are there in Asia? So, this correct right answer 48 countries are there in Asia. Which country is the top pulp and paper producing country in the world? Answer is China. Which country is the top lychee producing country in the world? So lychee producing country or China, China. Which country is the largest egg-producing country in the world? Right answer is China. Which country is the world's largest producer of cow's milk? Answer is U.S.A. वेयर्स अगर आप अपने इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल की सीट को सीरियसली क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारे पास बुकलेट अवेलेबल है जिसमें कंप्लीट मटेरियल शामिल किया गया है आपने एग्ज़ाम को इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हर एस्पेक्ट को ये कवर करती है ये बुकलेट तहरी इम्तहान की तैयारी के लिए एक मुकम्मल बुकलेट है जिसको हमने तैयार किया है और ये बुकलेट आपको हेल्प करेगी आपने एग्ज़ाम की तैयारी में और उसको क्रैक करने में अगर आप अपने एग्जाम को सीरियसली क्रैक करना चाहते हैं तो आप ये बुकलेट ऑर्डर कर सकते हैं ऑर्डर दो तरीकों से की जा सकती है आप में व्हाट्सअप कीजिए व्हाट्सअप नंबर है थ्री फोर वन नाइन सिक्स जीरो नाइन जीरो फाइव एट यह इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज जिसका आउटलुक आपके सामने है यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं आप इसको इस फेसबुक पेज को एक्सेस करते हैं कर सकते हैं नीचे दिए गए यू से डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट फेसबुक डॉट ऑनलाइन वन ये यू और व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है आप इसको वहाँ से पिक करते हुए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं Another question is, which country is the top sugar cane producing country in the world? The answer is Brazil. Uh, which city was the first capital of Kingdom of Italy until eighteen sixty five? though answer is uh, Which port is the largest port in Italy? The answer is port of uh, Gioia Toro. Which port is the main port of Italy? The answer is port of Genoa. In which city was world's first underground train service was opened? Answer is London. An important question G. The river, the new prices in which country answer is uh, Germany. The earlier name of New York City was New Amsterdam. Important question and rarely asked. Which stadium is the biggest stadium in the world? Uh, great Strohov Stadium is the biggest stadium in the world.

Which of the following city is called city of parks? Kiev is uh, known as city of parks. City known as city of mosque is Dhaka. City known as city of Golden Gate, San Francisco is the answer. Which of the following city is called city of Golden Temple? Answer is Amritsar. City is called city of uh, uh, cosmonauts. Answer is Moscow. Which of the following city is uh, called city of conferences? Uh, answer is Geneva. Uh, city is called City of Peace. Answer is Baghdad. City of Eternal Spring is Kyoto. City known as Rose Pink City. So its answer is Jaipur, which is situated in India. The following city is called Pyramid City. Answer is Cairo. Manchester of Pakistan is Faisalabad. Faisalabad city, which is known as Manchester of Pakistan. City is called Little Pakistan. Bradford. Which of the following city is called gateway to Pakistan? The so answer is Karachi. Which of the following city is called gateway to India? It's Mumbai. Which of the following city is called gateway to Gulf? So answer is Abu Dhabi. A city known as gateway to East is Beirut. A forbidden city is Lahaska, An important and repeatedly asked question is: City known as city of uh, space flights. So answer is uh, Cape Kennedy. Uh, which of the following country is called country of copper? Answer is Zambia. City. What is the alternative name of Portugal? Answer is uh, Lausitanian. Which of the following Iceland is called emirate Iceland? Answer is Ireland. व्यवर्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज की इस वीडियो का हिस्सा थे उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अपने एग्जाम की तैयारी में अगर कोई मिसकम्युनिकेशन हुई हो ए, वीडियो को एक्सप्लेन करते हुए तो आप उसके इजहार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं किसी फर्दर और जो मौजू हैं उनके ऊपर भी हमें वीडियो आज ऐड करनी चाहिए तो इसका इधहार भी आप कमेंट सेक्शन में कीजिए बुकलेट ऑर्डर करने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के आप मैसेज कर सकते हैं आपकी आसानी के लिए व्हाट्सअप नंबर और फेसबुक पेज का वीडियो के डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है आप उसको वहां से पिक करते हुए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं आपकी डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए रेगुलर बेसिस पे अपडेटेड uh, हमारी ऐप जो है वो आपके लिए अवेलेबल है उसका लिंक uh, भी हमारे uh, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन का हिस्सा है आप उसको वहाँ से डाउनलोड कीजिए और uh, उससे आप रेगुलरली अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं वहाँ पर हम रेगुलरली डिफरेंट डाटा जो है अपलोड करते रहते हैं ताकि आप लोगों को हेल्प मिले अपने एग्जाम की तैयारी के लिए आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़